नमस्कार सभी साथियों को, स्वागत है आपका फिर से एक नई अपडेट पर। तो दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है कि कल सभी स्टूडेंट जो है रोहतक गए थे। रोहतक को मैंने बता दिया था कि बहुत अहम दिन है हम सबके लिए, और रोहतक में सभी स्टूडेंट्स ने साथ में काम किया और बहुत अच्छे तरीके से जो है डिसाइड किया कि 22 तारीख को पंचकुला में बहुत जोरदार प्रदर्शन करने वाले हैं। दोस्तों जी हाँ, सभी स्टूडेंट्स ने जो है भारी मात्रा में, भारी संख्या में 22 तारीख को जो है पंचकुला पहुंचना है, और आगे की अरेंजमेंट जो भी होगी, जो भी न्यूज आएगी वो आपको बता दिया जाएगा। सभी टीचर्स भी जो है सपोर्ट में आ चुके हैं, सभी यूट्यूबर्स भी जो है सपोर्ट में आ चुके हैं। दोस्तों सभी ने जो है अपने अपने चैनल पर वीडियो डाल दिया है कि 22 तारीख को ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो है आपने पंचकुला पहुंचना है। टाइम बहुत कम है, तैयारियां बहुत ज्यादा करनी है, इसलिए ये 22 तारीख जो है डेट डिसाइड हुई, क्योंकि ये भी दिन बहुत कम है हमारे पास तैयारियां करने के लिए, क्योंकि ये एक विशाल प्रदर्शन करने वाला है। ये नहीं है छोटा मोटा जो है ये आंदोलन होगा, बहुत बड़ा आंदोलन होगा, और सरकार को एक चेतावनी जो है यहाँ से दी जाएगी दोस्तों कि हमारा रिजल्ट जो है जल्द से जल्द जारी करो। 2024 विधानसभा भी आने वाला है इनका चुनाव, वहां पर भी जो है दोस्तों इनको एक चेतावनी के रूप में एक दी जाएगी कि आप HSSC के स्टूडेंट के साथ नाइंसाफी मत की जाए, टाइम टू टाइम भर्ती की जाए, टाइम से टाइम रिजल्ट जो है जारी किया जाए। दोस्तों ये जो आंदोलन मेल कॉन्स्टेबल के लिए नहीं, दोस्तों आगे भी आपको जो है ये आंदोलन करना पड़ेगा जब तक जो है ये HSSC सुधर नहीं जाता, टाइम से रिजल्ट जारी नहीं कर सकता। तो दोस्तों ये आंदोलन आपको CET के लिए भी करना पड़ेगा, CET के लिए रिजल्ट निकलवाने के लिए भी आंदोलन करना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों एक बार जो है अपना प्रदर्शन दमखम दिखाना पड़ेगा सरकार को कि हरियाणा के इतने युवा स्टूडेंट बेरोजगार हैं, और HSSC के ऊपर जब तक दोस्तों प्रेशर ना बनाएंगे ना, वो अपने को कुछ समझे नहींगा, वो अपनी मनमानी करता रहेगा, अपने तरीके से एग्जाम लेगा, अपने तरीके से रिजल्ट निकालेगा, अपने तरीके से ज्वाइनिंग देगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। दोस्तों एज सबकी निकलती जा रही है, हमें लिमिट समय में जो है एग्जाम की भर्ती, एग्जाम के साथ साथ भर्ती प्रक्रिया पूरी करवानी है। इसलिए दोस्तों ये जो है दम हमने पंचकुला में 22 तारीख को बहुत जोरों शोरों से जो है दिखाना पड़ेगा। टीचर्स भी जो है हमारे साथ है, आगे अपनी लड़ाई आपने खुद लड़नी पड़ेगी, आगे भी आपको आना पड़ेगा, आगे भी ये चीजें होंगी, इसलिए मैं दोस्तों कह रहा हूँ सभी साथ रहोगे तो बहुत बड़ा एक आंदोलन 22 तारीख को हम करने जा रहे हैं। और भी जैसे भी अपडेट आती है वो मैं आपको बता दूंगा, आप सभी तैयारी कर लेना। कम्युनिटी टैब में मैंने जो है गूगल फॉर्म का लिंक डाल दिया, गूगल फॉर्म जो है अप्लाई करो ज्यादा से ज्यादा। एक दिन में दोस्तों अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो कुछ हो नहीं जाएगा आपका, और हरियाणा में तो आपको पता है कि तुक्के से भी नौकरी मिल जाती है, चाहे आपकी तैयारी हो चाहे ना हो, हरियाणा में लक चलता है दोस्तों। मेहनत चाहे आप कितनी कर लो, लेकिन हरियाणा में लक नहीं होगा जब तक आप नौकरी नहीं ले सके। लक और मेहनत दोनों जो है, जितना आपकी मेहनत है उतना आपकी किस्मत, दोनों मैटर करती है हरियाणा की नौकरियों में, ये बात मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए दोस्तों एक दिन अपने लिए निकालो 22 तारीख को, और ज्यादा ज्यादा संख्या में जो है वहां पर पहुंचो, अपनी यूनिटी दिखाओ। फिलहाल इस वीडियो में इतनी दोस्तों, और भी जो भी अपडेट आएगी वो अपने चैनल के थ्रू मैं आपको देता रहूंगा। आप आई होप आप इसी तरह जो है चैनल से जुड़े, आगे भी ऐसे ही वीडियो को लाइक एंड सपोर्ट करते रहना। थैंक यू।